इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिस्टम यूनिट एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट सिस्टम यूनिट एक्चुअली हमारे कंप्यूटर के साथ जिसको हम अक्सर कॉमन लैंग्वेज में सीपीयू भी कहते हैं इट इज एक्चुअली द केसिंग ये असल में हमारा प्रोसेसर या सीपीयू नहीं है जिस तरह ये हमारा अगर हम कंप्यूटर की फिगर देखें तो कंप्यूटर के साथ इसी तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केसिंग में जो है वो सिस्टम पड़ा हुआ होता है इसको हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट ये सिर्फ और सिर्फ एक केसिंग है जिसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स इनक्लोज होते हैं एक साथ अटैच होते हैं कनेक्टेड होते हैं एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करने के लिए और हमारे कंप्यूटर की प्रॉपर वर्किंग के लिए कि हमारा कंप्यूटर किस तरह से काम करेगा उन कंपोनेंट्स के कम्युनिकेशन के थ्रू सिस्टम यूनिट में बहुत सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं जिस तरह के डिस्क ड्राइवर्स मदरबोर्ड मेमोरी फैन अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं एक मेन कंपोनेंट्स कंपोनेंट विच इज कॉल्ड मदर बोर्ड उसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं और आपस में एक कनेक्शन बनाते हैं कम्युनिकेट करते हैं ताकि यूजर उन्हें जो भी टास्क दे उसको वो परफॉर्म करके उससे रिलेटेड आउटपुट शो कर सके सिस्टम यूनिट में जो एक मेन कंपोनेंट है दैट इज आर मदरबोर्ड मदर बोर्ड इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड जिसके साथ हमारे सारे कंपोनेंट्स पेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मेमोरीज सीपीयू सब कुछ कनेक्टेड होता है ये एक्चुअली कम्युनिकेशन अलाउ करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को मदरबोर्ड के साथ डिफरेंट पोर्ट्स कनेक्टेड होते हैं जिस तरह हम देखते हैं कि हमारा जो सीपीयू की केसिंग है उसके बाहर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की यूएसबी पोर्ट्स और डिफरेंट पोर्ट्स कनेक्टेड होती हैं जिसके थ्रू हम अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को माउस को जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं उन उस पोर्ट के ऊपर प्लग इन करने से इसी तरह कुछ कंपोनेंट जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर लोकेट होते हैं और कुछ पोर्ट्स के थ्रू इसके साथ एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं और फिर मदरबोर्ड इन सारे कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन को इनेबल करता है और अलाउ करता है कि ये कंपोनेंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें जो मेन कंपोनेंट मदरबोर्ड के ऊपर लोकेटेड होता है विच इज कॉल्ड सीपीयू सीपीयू इज आल्सो नोन एज प्रोसेसर सीपीयू का मेन काम होता है कि जो भी इनपुट आए वो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर काम करे प्रोसेसिंग करे और उसको एज आउटपुट डिस्प्ले करवा दे और स्टोर करवा दे सीपीयू हमारे पास सिंगल चिप भी होता है और मल्टी कोर भी होता है जो सिंगल चिप हमारा सीपीयू होता है वो एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक टास्क ही परफॉर्म कर सकता है जिस तरह हमारे पास ये जो सीपीयू है ये सिंगल चिप है तो एक टास्क ही एट अ टाइम ये परफॉर्म कर सकता है इसके अलावा हमारे पास जो आजकल सीपीयू और प्रोसेसर चिप्स यूज होती है उसके ऊपर मल्टीपल कोर्स इस तरह से मल्टीपल चिप्स लोकेटेड होती हैं जिस तरह इस मल्टी कोर कोर प्रोसेसर के ऊपर फोर कोर्स जो है वो लोकेटेड है अब ये हर कोर जो है एज अ प्रोसेसर एक्ट करेगी और हर कोर अपना अपना काम परफॉर्म करेगी एक टास्क कोर वन पे होगा एक कोर टू पे एक कोर थ्री पे एक कोर फोर पे इसी तरह हमारे फोर टास्क एट काम कर सकेंगे एग्जीक्यूट हो सकेंगे और पैरेलली काम कर सकेंगे एक साथ काम कर सकते हैं तो ये एडवांटेज होता है हमारा मल्टी कोर प्रोसेसर का कि एक प्रोसेसर के ऊपर मल्टीपल चिप्स या कोर्स लोकेटेड होते हैं जो कि सेपरेटली हर टास्क परफॉर्म करते हैं तो जितने ज्यादा कोर्स हमारे प्रोसेसर पे होंगे उतने ही काम एट एग्जीक्यूट हो सकते हैं जिस तरह ये कोर प्रोसेसर है तो इस पे चार काम एक साथ चार टास्क एक साथ सीपीयू परफॉर्म कर सकता है एज कंपेयर टू सिंगल चिप प्रोसेसर जिसके ऊपर एट अ टाइम एक ही टास्क परफॉर्म होगा तो सीपीयू हमारी सिस्टम में सब चीजों को कंट्रोल करता है और सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है जो भी इंस्ट्रक्शन उसे मिलती है उसके हिसाब से सीपीयू फर्दर डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू जो के जिसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इट इज अ कंट्रोलिंग एंटिटी ये सारी फंक्शनिंग को आपके सिस्टम के अंदर कंट्रोल करता है ये हर डिवाइस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स को सिग्नल्स भेजता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने क्या काम करना है सीपीयू हमारा जो कंट्रोल यूनिट वाला पार्ट है वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेता है और उसके हिसाब से बाकी सिस्टम्स को जो है बाकी कंपोनेंट्स को सिग्नल भेजता है थ्रू सिग्नल उन्हें कंट्रोल करता है कि उसने क्या काम करना है जिस तरह हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास इनपुट आया है टू प्लस थ्री अब ये इनपुट जो है वो कंट्रोल यूनिट के पास आया कंट्रोल यूनिट ने अः को सिग्नल मिला है इनपुट डिवाइस से कि एक यूजर ने इनपुट ऐड किया है तो कंट्रोल यूनिट यहां से इनपुट रिसीव करेगा और उसके बाद वो मेमरीज में जाके देखेगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसके थ्रू ये काम परफॉर्म हो सकता है जब उसे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी लेट से कि यहां पर उसे इंस्ट्रक्शन मिल गई है एड की कंट्रोल यूनिट को जब ये एड की इंस्ट्रक्शन मिली है तो उसको पता चल गया है कि ये एड का, का काम है एडिशन का, का काम है तो मीन्स इस uh, पे जो है वो एडिशन अप्लाई होगी और ये काम किस कंपोनेंट का है ये काम है सीपीयू के सेकंड कंपोनेंट का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का सीपीयू का जो दूसरा कंपोनेंट है जो दूसरा पार्ट है वो कहलाता है एलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीयू का काम है सारी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करना और एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है सारे एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना जिस तरह एडिशन सबट्रैक्शन कंपैरिजन एंड और नॉट एंड अदर काइंड ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस तो सी ने जैसे ही देखा कि ये एड की इंस्ट्रक्शन है मुझे एड का, का काम परफॉर्म करना है तो उसको उस इंस्ट्रक्शन को समझ के पता चल गया कि ये काम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का तो कंट्रोल यूनिट यहां से सिग्नल भेजेगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को और उसको कमांड देगा कि एड की इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म करो कंट्रोल यूनिट उसके बाद एड की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करके दोबारा से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करके दोबारा से कंट्रोल uh, यूनिट को सिग्नल भेजेगा कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है कंट्रोल यूनिट उसके बाद जब उसके पास आउटपुट आ जाएगा यहां पर फाइव तो वो आउटपुट कंट्रोल यूनिट भेज देगा आउटपुट डिवाइस पे और यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा फाइव इसी तरह अगर वो आउटपुट सेव करवाना होगा तो कंट्रोल यूनिट यहां से मेमोरी को भेज देगा वो फाइव और फाइव जाके मेमोरी में हो जाएगा सेव ये वर्किंग होती है कंट्रोल uh, यूनिट की कि जिस तरह से कंट्रोल यूनिट सिग्नल भेज के ये सारी चीजें कंट्रोल करता है उसके बाद हमारे पास अः मदर बोर्ड के ऊपर जो है वो कुछ और कंपोनेंट्स भी एलोकेटेड होते हैं जिसमें हमारे आते हैं रजिस्टर्स रजिस्टर्स भी एक स्मॉल मेमोरी यूनिट है जिस तरह से हमारी एक मेमोरी में डेटा स्टोर होता है तो रजिस्टर जो है हमारे पास एक टेम्परे मेमोरी है और स्मॉल मेमोरी यूनिट है और ये बहुत हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो सीपीयू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इस्तेमाल करता है कि मेमरी तक जाने के लिए जो है वो सी को या कंट्रोल यूनिट को थोड़ा टाइम लगता है इसकी एक्सेस मेथड स्लो है मगर रजिस्टर से वो फास्टली डेटा एक्सेस कर सकता है इसीलिए रजिस्टर जो है हमारे पास डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं कि कंट्रोल यूनिट ने अगर आ, काम करना है या कोई भी आ, डेटा एक्सेस करना है तो वो टेम्परेली यहाँ पर रजिस्टर में सेव करवा देता है और बाद में उसको यूज कर लेता है तो इसीलिए इस रजिस्टर को यूज करते हुए सीपीयू की जो है वो वर्किंग फास्ट हो जाती है रजिस्टर्स क्योंकि यूजुअली स्मॉल साइज की मेमोरी होती है तो इसमें ज्यादा डेटा नहीं आता इसमें जस्ट टू से लेके एट बाइट तक डेटा जो है वो स्टोर होता है जितनी रजिस्टर की स्पेस ज्यादा होगी उतना ही सीपीयू का काम फास्ट हो जाएगा क्योंकि वो ज्यादा डेटा रजिस्टर में जिसके ऊपर वो काम कर रहा होगा वो स्टोर करवा सकता है और इसी तरह उसे यूज भी कर सकता है जिस तरह हम लोगों ने यही एग्जाम्पल देखी थी टू प्लस थ्री की अगर हम एक और एर्थमैटिक एग्जाम्पल देख लें टू प्लस टू इंटू थ्री अब ये जब हमारे पास कमांड आएगी ये जब हमारे पास इनपुट आएगा कंट्रोल यूनिट के पास कंट्रोल यूनिट uh, इसको देखेगा कंट्रोल यूनिट के पास जब ये इंस्ट्रक्शन आएगी तो वो मेमोरी के पास जाएगा और मेमोरी से जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो फेच करेगा और देखेगा कि मैंने क्या इंस्ट्रक्शन है जो है वो परफॉर्म करनी है मेमोरी में जो है सबसे पहले आएगी इसके पास मल्टीप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन तो कंट्रोल यूनिट यहां से मल्टीप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच करेगा क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो होती हैं किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में और हमारा जो कंप्यूटर है वो जीरो वन की लैंग्वेज समझता है बाइनरी लैंग्वेज समझता है इसलिए कंप्यूटर uh, को जो है इस इंस्ट्रक्शन को समझना पड़ेगा पहले उसे डिकोड करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में तो कंट्रोल यूनिट सबसे पहले उसको टेम्परेरली यहाँ पर स्टोर कर देगा फिर वो उसको डिकोड करेगा उसको समझेगा जब उसको वो समझ आ जाएगी तो फिर उसके हिसाब से वो वहां पर एक्शन लेगा तो टेम्परेरी उसने ये इंस्ट्रक्शन डिकोड करने के लिए ट्रांसलेट करने के लिए रजिस्टर में सेव करवा दिए ताकि वो उसे ईजिली बाद में यूज कर सके फिर जब कंट्रोल यूनिट को ये इंस्ट्रक्शन समझ आ जाएगी तो उसके बाद वो अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट को सिग्नल भेजेगा कि इसके ऊपर काम परफॉर्म करें और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जब मल्टीप्लाई करेगा टू इंटू थ्री तो वह आंसर आ जाएगा सिक्स मगर ये सिक्स जो है हमारे पास फाइनल आंसर नहीं है हमने प्लस टू भी करना है तो जिस तरह हम रफ वर्क करते हुए मैथ्स में साइड पे कहीं आंसर जो इंटरमीडिएट uh, स्टेप्स होते हैं उनका सेव करवा लेते हैं तो इसी तरह जो है इंटरमीडिएट आंसर यहाँ पर सीपीयू सिक्स जो है वो सेव करवा लेगा ताकि वो बाद में उसको यूज कर सके ऐड कर सके तो वो अपना ये आंसर रजिस्टर में सेव करा लेगा जो कि फास्ट मेमोरी है ताकि उसे इजीली एक्सेस करने में डेटा एक्सेस करने में आसानी हो फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट दोबारा मेमोरी की तरफ जाएगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखेगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड और ये इंस्ट्रक्शन भी वो जब यहाँ पर स्टोर करवाएगा किसी रजिस्टर में रजिस्टर में जब वो स्टोर करवाएगा उसको डिकोड करेगा उसे ट्रांसलेट करेगा तो उसे समझ आ जाएगी इसमें क्या करना है तो फिर उसके हिसाब से वो एक्शन लेगा और दोबारा ए एल यू को कमांड भेजेगा और कहेगा कि एडिशन करनी है फिर ए एल यू को सेव करवाया है, वो वहां से रिट्रीव करेगा सिक्स और सिक्स प्लस टू करके जो आंसर हमारा आएगा एट वो कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेज देगा कि आंसर आ गया है एट और एट उसके बाद जो है कंट्रोल यूनिट उसके बाद आउटपुट डिवाइस को सिग्नल भेजेगा और उसे कहेगा कि आउटपुट जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले करा लो जो कि हमारा किसी भी डिस्प्ले डिवाइस पे आउटपुट आ जाएगा एट तो इस तरह से ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और इसी पर्पस के लिए हम रजिस्टर्स भी जो है इसमें यूज किए जाते हैं सिस्टम यूनिट में ताकि सीपीयू फास्टली अपना डेटा जो है वो एक्सेस कर सके और ये जो साइकिल था जिसमें कंट्रोल यूनिट जो है जो सीपीयू है वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से पहले फेच करता है फिर उसे डिकोड करता है फिर उसे एग्जीक्यूट करता है और फिर जो भी डेटा होता है उसके हिसाब से मेमोरी में स्टोर कर देता है और बाद में उसे फेच कर लेता है तो इस चीज को हम बोलते हैं मशीन साइकिल जिस तरह यहां पर हमने देखा था कि इनपुट आया कंट्रोल यूनिट ने जो है वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच किया उसको रजिस्टर में स्टोर कराया डिकोड किया कि इसको करना क्या उसे समझा फिर उसके हिसाब से उसे एग्जीक्यूट करते हुए ए को कमांड भेजी फिर एलयू ने जो भी आंसर दिया कंट्रोल यूनिट ने उसको डिस्प्ले भी करवा दिया और फर्दर मेमोरी में स्टोर भी करवा दिया आंसर इन फ्यूचर यूज ताकि वो फर्दर आगे अगर कभी जरूरत पड़े तो वो आउटपुट उसे यूज कर सके तो इस कंप्लीट साइकिल को हम बोलते हैं मशीन साइकिल जिसके चार स्टेप हैं फेच डिकोड एग्जीक्यूट एंड स्टोर फेच में होता है इंस्ट्रक्शन या डेटा को मेमोरी से लेकर आना डिकोडिंग में होता है कि उसको ट्रांसलेट करना उसको समझना फिर एग्जीक्यूशन में उसको समझ के उसके हिसाब से रिक्वायर्ड एक्शन लेना और रिक्वायर्ड कंपोनेंट को सिग्नल भेजना कि जो भी उसने काम करना है और फिर जो भी हमारे पास आउटपुट आ जाए जो भी रिजल्ट आ जाए उसे मेमोरी में दोबारा स्टोर कर देना मगर जरूरी नहीं कि हम हर बार ही स्टोर करें हम कुछ डेटा हमें हर वक्त नहीं चाहिए होता तो हम उसको स्टोर नहीं भी करेंगे जस्ट डिस्प्ले करवा देंगे तो ये चार स्टेप्स कहलाते हैं मशीन साइकिल नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम uh, यूनिट का कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड सिस्टम क्लॉक सिस्टम क्लॉक इज जस्ट लाइक हार्ट बीट जिस तरह हम कहते हैं कि हमारा ह्यूमन ऑर्गन uh, में जिस तरह हार्ट होता है जो कि पंप uh, होता रहता है हर वक्त Uh, अगर वो नॉर्मल फंक्शनिंग करे तो हमारा अः uh, जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो नॉर्मल रहेगी अदरवाइज जो है हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी इसी तरह जो हमारे सिस्टम यूनिट है इसमें सिस्टम क्लॉक जो होती है इसका भी यही काम है जिस तरह हार्ट बीट की पल्स चल रही होती है सिस्टम क्लॉक की भी इसी तरह पल्स चल रही होती है इसी तरह वेव फॉर्म में एक साइकिल चल रहा होता है और हर साइकिल पे हर पल्स पे कंट्रोल यूनिट जो है वो एक सिग्नल भेजता है एक काम करता है या किसी भी एक कमांड भेजता है किसी भी कंपोनेंट को जो जितनी फास्ट इसकी एक पल्स होगी या एक क्लॉक टिक होगी उतने ही फास्टली हमारा कंट्रोल यूनिट जो है वो सिग्नल्स भेजेगा और उतने ही फास्टली वो काम परफॉर्म करेगा तो सिस्टम क्लॉक के ऊपर हमारे Uh, जो है वो पूरे सिस्टम की प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज्यादा डिपेंड करती है अगर ये सिस्टम क्लॉक ही स्लो होगी पल्स ही स्लो होगी तो जितना ये स्लो होगी उतने ही स्लोली कंट्रोल यूनिट दूसरे कंपोनेंट्स uh, uh, को कमांड्स भेजेगा सिग्नल्स भेजेगा और जितनी ही ये फास्ट होगी उतने ही फास्टली कंट्रोल यूनिट सिग्नल भेजेगा जिस तरह एक साइकिल जिस तरह एक वेव अगर कंप्लीट uh, होगी तो इस एक वेव के दौरान कंट्रोल यूनिट एक सिग्नल भेजेगा और एक सेकंड में जो है सिस्टम uh, क्लॉक जो है वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पल्सेस जो है वो जनरेट करती है या क्लॉक टिक्स जो है वो एग्जीक्यूट करती है इसलिए हम देखते हैं कि आजकल जितने भी हमारे प्रोसेसर्स हैं उनकी स्पीड जो है वो गीगा हर्ट्स में आ रही होती है गीगा मीन्स मिलियंस यूनिट या मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड कि एक ये जो वेव फॉर्म वाला हमारे पास साइकिल uh, है जिस तरह से ये वेव फॉर्म है इस वेव फॉर्म को एक साइकिल बोलते हैं और एक सेकेंड में इस तरह के मल्टीपल साइकिल्स जो हैं जिस तरह ये वेव फॉर्म है एक सेकेंड में इस तरह के मल्टीपल साइकिल्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं विद इन अ सेकेंड मिलियंस एंड बिलियंस तो जितनी इनकी स्पीड होगी उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी हमारे प्रोसेसर की